नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बना रहे हैं एप्पल बर्फ़ी, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत हेल्दी बर्फ़ी। आज हम अपने घर पे बहुत ही सरल तरीके से बना रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए एप्पल बर्फ़ी मेरे स्टाइल में बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दो एप्पल लेंगे और इन एप्पल को अच्छे से छील लेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम एप्पल को जैसे फ्रेश फ्रूट के रूप में अगर हम खाते हैं तो हमें इसका छिलका नहीं उतारना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि छिलके के अंदर जो है वो बहुत सारे प्रोटीन विटामिन होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बट क्योंकि हम बर्फ़ी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें छिलके को स्किप करना होगा, इसे हमें बिना छिलके के ही यूज करना होगा। तो हम इसको अच्छे से इस तरह से इसका पूरा छिलका हमें ऐसे उतार लेना है। फ्रेंड्स, ये बहुत इजी रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है और स्पेशली मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये बिल्कुल खट्टी मीठी बर्फी बनने वाली है। जैसे हम चॉकलेट खाते हैं ना, टॉफी, छोटी वाली टॉफी, बिल्कुल वैसे ये एक बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट होने वाला है। तो आप प्लीज इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने एक एप्पल को अच्छे से छील लिया है, अब हम दूसरे एप्पल को भी इसी तरह से छील लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ट्राई कीजिएगा और प्लीज मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपसे ये जो खट्टी मीठी हमारी बर्फी की रेसिपी है ये आपसे कैसी बनी। तो हमने इसको अच्छे से छील लिया है और अब हम इसको चॉप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर के जितने भी बीज होते हैं वो सब हमें निकालने होंगे, क्योंकि बीज का हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से बीज का जितना भी पार्ट होता है वो सब हम इस तरह से इसमें से निकाल देंगे और एप्पल के हम बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे, ताकि हम जब एप्पल को पकाएं तो ये बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे से पक जाए। फ्रेंड्स, मुझे ये बर्फी बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे, क्योंकि इस बर्फी का जो मेरा आइडिया है वो मुझे नारियल की बर्फी से आया, क्योंकि नारियल की बर्फी मेरी दादी को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ ऐसी चीज मिलाई जाए जिससे इसका टेस्ट और भी डिफरेंट हो जाए। तो ये देखिए, हमने इनके पीसेस को कट कर लिया है और बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको कट किया है। फ्रेंड्स, ये जो हमारी रेसिपी होगी ये बिल्कुल हेल्दी होगी, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, प्रोटीन्स, हमें सब कुछ मिलेगा जो हमारी हेल्थ को और भी ज्यादा बेटर करेगा। तो ये खाने में जितनी टेस्टी होगी उतनी ही हेल्दी होगी। तो फ्रेंड्स, अब हमने इनके पीसेस को तो कट कर लिया है, बट क्या होता है कि जब हम एप्पल को कट करते हैं तो थोड़ी देर में इसका जो इसके जो पीसेस हैं वो थोड़े से काले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स, एप्पल में आयरन होता है और वो जो आयरन होता है वो एयर में मिक्स होते ही वो ऑटोमेटिकली ऐसे काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम इसमें लेमन जूस मिला देंगे इस तरह से, और लेमन जूस मिलाने के बाद हम इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम दूसरा एप्पल भी चॉप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने दूसरा एप्पल भी इसी तरह से चॉप कर लिया है। इसमें भी हम पहले वाली एप्पल की तरह लेमन का जूस मिला देंगे, ताकि जब हमारा 2 मिनट हमारी शुगर और कोकोनट का मसाला प्रिपेयर हो तब तक हमारी एप्पल जो है वो काली ना पड़े। तो अब हम इसको 2 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं और गैस पे हम एक कढ़ाई को टिका देंगे, और जब हमारी कढ़ाई हल्का सा गर्म हो जाएगी तब हम इसमें क्या मिलाएंगे? तो फ्रेंड्स, हम इसमें मिलाएंगे शुगर और कोकोनट का पाउडर। और कोकोनट हमने कौन सा लेना है? फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने कोकोनट, फ्रेश कोकोनट किया है और लिया है और इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो आप भी मेरी माने तो फ्रेश कोकोनट ही लें, इससे हमारी बर्फी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा।
तो अब हमारा पैन जो है वो गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें एक कप शुगर डालेंगे और शुगर के बराबर ही हम इसमें एक कप कोकोनट पाउडर डालेंगे और इनको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट। जैसे ही इसका जो हमारी शुगर है इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो शुगर और कोकोनट का पाउडर है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, कोकोनट भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी होता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। इसको हाई फ्लेम पे ना करें वरना हमारी शुगर जो है वो जल जाएगी। आपको इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है और इसको ऐसे चलाते रहना है ताकि हमारी शुगर नीचे चिपके नहीं और जले नहीं। तो अब हम इसमें 1 चम्मच हमने इसमें पानी डाला है ताकि हमारी जो शुगर और नारियल का ये जो मिक्सचर है वो अच्छे से बन जाए। तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाला है। अगर आपका मिक्सचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो तो आप थोड़ा और पानी ऐड इसमें कर सकते हो। तो अब हम इसमें एप्पल डालेंगे और एप्पल डालने के बाद भी अगर आपको लगे कि आपके मिक्सचर में पानी कम है तो आप थोड़ा सा पानी और डाल लीजिए, क्योंकि एप्पल को पकने के लिए जो है वो थोड़ा पानी की ज़रूरत होती है, तो इसमें थोड़ा पानी डल जाए तो ये अच्छा होता है। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए इस तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे कि हमारी ये जो एप्पल है वो अच्छे से पकी है या नहीं। जो है वो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से बिल्कुल पक चुका है और आप देख सकते हो इसका कितना सुंदर कलर आया है। अगर आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा आर्टिफिशियल ग्रीन कलर यूज कर सकते हो, बट फ्रेंड्स क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं और बहुत ही हेल्दी रेसिपी हम बना रहे हैं तो हम इसमें जो है वो कलर का यूज नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल नेचुरल रखेंगे। और आप देख सकते हो कि नेचुरलिटी में भी इसका कलर बहुत ही प्यारा आया है। तो अब हम गैस का फ्लेम जो है वो कम बंद कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए साइड में रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इसका फ्लेम बंद कर दिया है और हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम एक एल्यूमिनियम की ट्रे लेंगे और उसको ऑयल से अच्छे से बहुत ही प्यार से इसको आप अच्छे से ग्रीस करें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, ताकि हम जब हमारी बर्फी को बाहर निकालें तो वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाए। तो अब हम इसमें हमारा जो मिक्सचर है वो ट्रांसफर करेंगे। तो हमने अपना सारा मिक्सचर इसमें ट्रांसफर कर लिया है और अब हम एक स्पून की हेल्प से इसको स्ट्रेट कर लेंगे। आप स्पून पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि हमारी ये जो मिक्सचर है वो ऊपर से इसकी जो शाइनिंग है वो बहुत ही अच्छी रहे। तो ये मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेट कर लिया है। तो अब हम इसको गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स, गार्निश करने के लिए मैंने पिस्ता लिया है। पिस्ता हमारी हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी होता है और फ्रेंड्स पिस्ता में जो है वो कैलोरीज बहुत कम होती है। अगर आप 30 पिस्ता खाएंगे तो आपको सिर्फ 19 कैलोरीज होंगी, 90 कैलोरीज होती है 30 पिस्ता में, तो ये बहुत हेल्दी है। तो ये देखिए हमारी ये जो बर्फी का मिक्सचर सेट हो चुका है। तो मैंने इसमें पिस्ता और बादाम की मिक्स जो है वो मिक्स टुकड़े कर लिए हैं और इससे हम इसको गार्निश कर लेंगे जिससे हमारी बर्फी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अब हम फ्रेंड्स इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे क्योंकि हमारा मिक्सचर जो है वो पूरी तरह से गर्म है। तो हम इसको पहले थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए अब 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। तो हम अब अपनी बर्फी के चारों तरफ के कॉर्नर्स जो है वो अच्छे से ऐसे कट कर लेंगे ताकि हमारी बर्फी के जब हम पीसेस अब कट करें तो ये आसानी से निकल जाए। तो फ्रेंड्स मैं इसके थोड़े बड़े पीसेस कट कर रही हूँ क्योंकि क्या है ना, बच्चों को छोटे पीसेस पसंद नहीं आते हैं और बड़े पीसेस उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं बड़े बड़े पीसेस कट कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहें वैसे पीसेस कट कर सकते हो। तो हमारे पीसेस कट हो चुके हैं और ओ माय गॉड, हमारी बर्फी कितनी सुंदर दिख रही है और मे बी इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होने वाला है। तो मैं आपको इसका एक पीस निकाल के दिखाती हूँ।
तो ये देखिए हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब आप इसको सर्व कीजिए और मुझे प्लीज जरूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो।